द्वारा निर्मित है। ये यहाँ पर एक मोर है। ये पंख का आगे वाला हिस्सा है। ये आगे की साइड है पूरी। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजाइन बनाई हुई है छोटी पत्तियों से, और यहाँ पर भी पूरी डिजाइन बनाई हुई है। और ये नीचे स्टैंड है इसका, ये इसका बीच का पोर्शन है। यहाँ पर भी एक मोर है और यहाँ पर भी एक मोर है, और यहाँ पर जालियों से डिजाइन की गई है, और बीच बीच के अंदर ये लाइंस दी गई है। ये इसकी बैक साइड है, सेम डिजाइन इस तरफ भी है। यहाँ पर एक फ्लावर दिया हुआ है। सो पहले हम इसका ये वाला पोर्शन खोलेंगे। इसके अंदर राधा कृष्ण दिए हुए हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, और साइड के अंदर यहाँ पर एक मोर दिया हुआ है, और यहाँ पर इसके यहाँ पर एक पेड़ दिया हुआ है, यानी पेड़ की छाया के अंदर कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, और साथ में राधा जी खड़ी है। अब यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पर राधा जी पानी लेकर जा रही है, श्री कृष्ण जी गाय के पास खड़े हैं, और यहाँ पर साइड में एक पेड़ है। कृष्ण जी साथ में बांसुरी भी बजा रहे हैं। इसके अंदर यशोदा मैया है, वो मक्खन निकाल रही है, और यहाँ पर पास में बैठे श्री कृष्ण जी मक्खन खा रहे हैं, और यहाँ पर पेड़ है। यहाँ पर वासुदेव जी है, वो श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं, और साथ में यहाँ पर कृष्ण बालकृष्ण, और यहाँ पर शेष नाग उनकी रक्षा कर रहा है, और पीछे पेड़ दिया हुआ है। ये यहाँ पर नदी दिखाई गई है जिसको पार करके जा रहे हैं। आगे के वीडियो में हम आपको और भी अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन।